कई बार आपने महसूस किया होगा कि पूजा करते समय आंखों से आंसू आने लगते हैं। जो जानकार है वह समझता है, पर ज़्यादातर व्यक्तियों के समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों होता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरि कृपा में। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते समय आंखों का नम होना, आंखों से आंसू आना, नींद आने लगना, उबासी आना, छींक आना, यह एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। आखिर पूजा करते समय आंखों से आंसू क्यों आते हैं? क्या यह पूजा के सफल होने का संकेत है या फिर कुछ और? शास्त्रों के अनुसार सच्चे मन से की गई पूजा भगवान सदैव स्वीकार करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पूजा के समय उबासी या नींद आती है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के मन में दोहरी विचारधारा सक्रिय है। वह बैठा तो पूजा में है लेकिन ध्यान उसका कहीं और ही है। वह पूर्ण एकाग्र नहीं है, उसके मन में कोई और ही विचार चल रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि व्यक्ति परेशान है, उसका मन अशांत है तो उसे पूजा में नहीं बैठना चाहिए। यदि आप परेशान होकर भगवान की भक्ति करते हैं, कोई मंत्र जप करते हैं या कोई स्तोत्र पाठ आदि करते हैं तो आपको उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार अगर पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों में आंसू निकलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। क्योंकि जब आप पूरा ध्यान केंद्रित करके अंतर्मन से भगवान का ध्यान करते हो तो आपका संपर्क उस शक्ति के साथ होता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि अगर पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आपको समझना चाहिए कि कोई ईश्वरीय शक्ति आपको कुछ संकेत दे रही है। जब आप भगवान के किसी भी रूप का ध्यान करते हो, उनकी पूजा में पूरी तन्मयता से लीन हो जाते हो तो भगवान के उस रूप से आपका संपर्क हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए, और आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई है, जिसका संकेत है आपकी आंखों से आंसू आना। यह तो हुई एक बात, कई बार इसका दूसरा पक्ष भी हो सकता है। कई बार पूजा के समय आंखों में आने वाले आंसू और उबासी का कारण नकारात्मकता भी होती है। अगर ऐसा हो कि व्यक्ति का मन पूजा पाठ, स्तोत्र पाठ या आरती में ना लगे, साथ ही शरीर भारी होने लगे, तो ऐसे में उसको समझ जाना चाहिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास मौजूद है। मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम ऐसी ही गुप्त जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।